सैम ब्लॉग अपना ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग प्लीज इनको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं कुर्ला वेस्ट फिनिक्स मॉल के अंदर में हूँ और यहाँ पे बहुत सारा देख रहे होंगे बंद है, क्योंकि ये सब जो कंपनी सब है वो सब का ऑफिस है यहाँ पे, तो सर अड्डे तो इसके लिए बंद भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा बंद है, देख रहे हैं आप, पूरा बहुत पूरा बंदी है ऊपर, क्योंकि मैं ये फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैं आया था उबेर में, मैं ओला उबेर में गाड़ी भी चलाता हूँ भाई, तो इसके लिए उबेर का मेरे पास टेप था, तो टेप काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, तो उबेर वाले का कॉल आ रहा था बार बार कि भाई अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो टेप को रिटर्न कर दो, तो वही रिटर्न करने के लिए आया था। तो भाई अभी रिटर्न कर दिया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। तो भाई जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और भाई एक लाइक ज़रूर करना। काफ़ी टाइम जाता है भाई अपना ये वीडियो सब बनाने में, वीडियो एडिटिंग करने में, तो इतना तो बनता ना भाई। तो चलते हैं अपन अभी ग्राउंड फ्लोर पे। तो भाई मैं आ गया हूँ ग्राउंड फ्लोर पर, यहाँ पे बड़े बड़े शोरूम मिल जाएंगे आपको, पोमा हो गया, जारा हो गया, सिको हो गया, ये सब का आपको यहाँ पे शोरूम मिल जाएगा। तो भाई चलते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ज़्यादातर पारा पाड़ी सभी आते हैं भाई, एक मिनट घूम बनता। तो भाई ज़्यादातर यहाँ पे पापा की पड़ी लगाते हैं, लेकिन हम लोग पापा के पड़े हैं तो हम लोग का भी हक बनता है यहाँ पे। चल भाई सैम ब्लॉग, सैम ब्लॉग 900 सर्च कर लेना भाई, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो, तो अभी हम लोग आ गए अंदर, अभी कोशिश करेंगे ऊपर जाने का, कोशिश नहीं ऊपर जाएंगे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आप, पापा की पड़ी सब बहुत ज़्यादा इधर है और हम अकेला पापा के पड़े। अच्छा तो डिप्रेशन किया हुआ है, तो मेरे वेलकम के लिए किया हुआ है, क्योंकि उसको पता था आज मैं आने वाला हूँ, इसके लिए इतना हार्ड डिप्रेशन किया हुआ है। तो ये है कुछ यहाँ का डिप्रेशन। अरे फूल गिर गया भैया, देखो गुलाब का फूल गिर गया, उठाने वाला कोई नहीं है, कहाँ का जानवर ये मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है, देख लो आप। ओहो इसको कपड़ा पहना के रखा है ना, ठंडी लग रहा होगा क्योंकि एसी में रहता तो ठंड लग रहा होगा इसके लिए। और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, आप लोग भी इधर घूमने आ सकते हो भाई, फैमिली को लेकर भी आओगे तो चलेगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और ये कुछ नीचे का नज़ारा, आप यहाँ पे हर जगह पे लिफ्ट है, हर जगह पे आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। तो भाई काफ़ी ऑसम है भाई, काफ़ी खूबसूरत इसको डेकोरेशन किया हुआ है, लाइटिंग वाइटिंग ज़बरदस्त है। तो काफ़ी बड़ा है भाई अपना फिनिक्स मॉल, और देख सकते हो आप ये पापा ये बड़े सभी वीडियो बना रहे हैं, तो क्या नाचो मैं? ये सभी ब्लॉग कर रहे हैं, देखो क्या चीज़ है इधर, देख लो आप कितना मज़ा आ रहा है, देख लो क्या चीज़ है मालूम है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना रखा है, काफ़ी खूबसूरत है। राजा जी अपनी सर्विंग कर रहे हैं भाई, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता भाई। ओ भाई ये क्या है, कहाँ पहुँच गया, वो मॉल के अंदर में भी ये सब दिखने को मिला भाई, यार बता रहा हूँ ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और हर जगह जगह पे आपको डेकोरेशन मिलेगा और अच्छा खासा डेकोरेशन मिलेगा, ये देख लो बहुत ही औसम है भाई यार, इतना अच्छा ज़्यादा डेकोरेशन है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मॉल, और इसकी खूबसूरती जितनी तारीफ करो कम है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम मस्त एकदम गार्डन टाइप का बना के रखा है, देख लो आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये सब जगह पे आप आओ घूमने के लिए, और यहाँ पे तो पूरी फैमिली के साथ आओ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, आपका आने पर दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, ये जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और आप लोग भी आके यहाँ पे मज़े ले सकते हो जगह का, यहाँ पे इतनी खूबसूरत है तो रोज़ आने का दिल करेगा यहाँ पे, और हमेशा आऊँगा इतनी खूबसूरत जगह पे। ये है H&M का शोरूम, देख लो भाई, ये ढूंढ रहा था कब से, सिर्फ देखने के लिए, लेना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी ऊपर का भी नज़ारा मस्त है, तो ऊपर भी चलते हैं, और एक बार और आऊँगा
अच्छे से उसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, हर एक चीज दिखाऊंगा आपको, हर एक कोना कोना दिखाऊंगा। फिलहाल ये अभी ऊपर ऊपर दिखा रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा तो पूरा कोना कोना दिखाऊंगा। साले केकड़े से थूथ के पागल है क्या, कहाँ की बात कहाँ ले जाता है। मॉल का एकदम पूरा कोना कोना दिखाऊंगा, गलत मत समझ जाना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं काम कर रहा है, बिजनेस ज्यादा ऊपर आ गया इसके लिए, तो इधर थोड़ा माहौल गर्म है, गर्म इसके लिए यहाँ पे एसी नहीं है, तो ये सब बच्चे के लिए है। तो यार काफी मजा आ रहा है इधर, दिल कर ही नहीं रहा यहाँ से कहीं जाने का, देख रहे हो आप, कभी दिल करेगा भी नहीं जाने का, टिकट भी लेकर बता सकते हो आप, मैं फंसाऊँगा नहीं यहाँ पे, वो भी बहुत महंगा होगा, और यहाँ पे गेमिंग का है, गेम खेल सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ बच्चे लोग के लिए ही है, यहाँ पे आप हर प्रकार का बच्चा आके यहाँ पे खेल सकता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बड़े बच्चे के लिए भी छोटे बच्चे के लिए भी है, बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे आप फंसा सकते हो, कोई फंसा नहीं, इसके लिए टिकट देना पड़ता है। और ये बच्चा ट्रक चला रहा है, एक ट्रक लेकर चला सकते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए, और हम तो घूमेंगे, और एक बार बोला ना एक बार और आऊँगा अच्छे से घूमने के लिए, यहाँ अभी कुछ फंसा रहे हैं, मालूम नहीं क्या फंसा रहा है, लेकिन पूछना पड़ेगा इसको, फंसा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है अपना मॉल, मॉल ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी का मालूम नहीं। हे भैया हम पहुँच गए हुए हैं, और ये है जारा, यहाँ पे जारा ले किसी को तो आए कपड़ा ले लेना, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ब्लॉग भाई सैम ब्लॉग अपना ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग प्लीज इनको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई ऋत्विक सर थे, अपने सीरियल में काम करते हैं, तो अच्छा लगा भाई सर से, इनको मालूम नहीं होगा जिनसे मैं मिला हूँ, उनका नाम है ऋत्विक और वो एक सीरियल एक्टर है, और इससे पहले भी मैं एक बार मिल चुका हूँ, उस टाइम पर मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, और काफ़ी अच्छा इंसान है, और अभी फाइनली अभी मैं जब कुर्ला वेस्ट फिनिक्स मॉल में था तो उनको देखा, तो उनसे मिला और उनसे बात भी किया, तो काफ़ी मज़ा आया, और बहुत ही अच्छे इंसान है वो, तो थैंक यू सो मच ऋत्विक सर मेरे से बात करने के लिए। तो भाई ये काफ़ी बड़ा है फिनिक्स मॉल, और इसमें पूरे दिन भी घूमोगे तो आप बोर नहीं हो गए, क्योंकि पूरा ऑल टू ऑल पूरे में एसी लगा हुआ है, तो कहीं पर भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इधर घूमने में, और आप लोग भी पूरी फैमिली के साथ आके घूम सकते हो, क्योंकि अच्छी जगह है, और मतलब इसके अंदर अगर आप घुस गए तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ मिलेगा इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है ये, और पूरे में घूमने के लिए भी आप बोर नहीं होगे, क्योंकि मैं तो बोर नहीं हुआ भाई, आप लोग का मालूम नहीं, आप लोग भी बोर नहीं होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लिखवा लो मेरे से अभी आप, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ है ना भाई देखने के लिए, मतलब कपड़ा उपरा ये सब के बारे में बोल रहा हूँ भाई, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, खाने पीने के लिए भी हर एक चीज़ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हर एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा, खाना वाना भी खा सकते हो आके यहाँ पे, और इस मॉल में ज़्यादातर पापा की परी लोग को दिखने को मिला है यहाँ पे, और देख भी सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैं तो देख के भाई पागल हो गया हूँ, यहाँ का जो खूबसूरती है, यहाँ का डेकोरेशन है, लाइटिंग है, ये सब देख के, यहाँ पे मैप भी है, मैप भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप, और इस हिसाब से फ़ोटो निकाल सकते हो ऐसा टेढ़ा बकला हो के, तो बाकी ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का मॉल का नज़ारा, मॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बाकी का मालूम नहीं, बाकी लोग का तो नहीं पता, मॉल बहुत ज़्यादा चल चूत है, और खूबसूरती की तारीफ जितना भी करो उतना कम है, हाँ खूबसूरती भर भर के मिला हुआ है यहाँ पे, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये मॉल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये पर निकल आए हुए यहाँ पे देख सकते हो आप, पापा की परी को भी, पापा के पाड़ा को भी पर निकल आया हुआ है,
साले का खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का। चलो भाई निकलते हैं मॉल से बाहर और काफी समझ रहे हो, समझ रहे हो तो यार घूमना ना, ये पूरे दिन घूमने में थक गया तो अभी जा रहा है घर पे, घर पे थोड़ा काम है, उसके बाद से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।